I want to find out Laplace transform of this 3s over s square 2s minus 8. I want to find out Laplace transform. Yes. Yes, Bullet Raja. Who is Bullet Raja there? Okay. Let me mute you everyone first of all. किसने कहा था मैंने कि अच्छा ऑलरेडी म्यूटेड है ओके सबसे पहले बताओ बच्चों एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का लैपलेस इनवर्स क्या होता है टेल मी इन चैट बॉक्स व्हाट इज द लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टेल मी द लैपलेस हेलो यस 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 मैम राइट नाउ आई एम इन ऑनलाइन लेक्चर कॉल मी टुमारो मैम प्लीज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर व्हाट इज लैपलेस इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर Can anyone tell me Laplace inverse of this? Anyone? Laplace inverse of this is cos of 2t. Laplace of cos of 2t is s over s square plus 2 square. Laplace inverse of s over s square plus 2 square is cos of 2t. Sabko pata hai is baat ka say yes? Now, if I replace every s by s minus 3, if I replace every s by s minus 3, what is the Laplace inverse of this? Laplace inverse is e raised to power 3t cos of 2t. Every s is replaced by s minus a Laplace inverse Laplace of cos of 2t is s over s square plus 2 square if you replace every s by s minus 3 then Laplace inverse of this is e raised to power 3t cos of 2t reason Laplace of cos of 2t is this and Laplace of e raised to power 3t cos of 2t is every s is replaced by s minus 3. Now reverse effect of there, Laplace inverse of there. If s minus 3 whole square 2 square is there cos of 2t. And what about if Laplace inverse of s minus 3 whole square minus 2 square is there? You should write e raised to power 3t cos of hyperbolic 2t. Cos of hyperbolic 2t. Cos of hyperbolic 2t. The required answer. The required answer. Laplace inverse 3s over s square 2s minus 8. What is the Laplace inverse of this? What is the Laplace inverse of this? S square 2s minus 8. Laplace inverse 3s over s square plus 2s. Minus 8 Laplace inverse of 3s s square plus 2s minus 8 ठीक है okay now यहां पे हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको ये सब बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आगे का लेक्चर समझने के लिए
ये बातें, क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज थी कॉज ऑफ टू टी का लैपलेस एस ओवर एस स्क्वायर टू स्क्वायर लैपलेस ऑफ ई थ्री टी करने से क्या इफेक्ट होता है, शिफ्टिंग हो जाती है, एवरी एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए, एस माइनस थ्री, एस माइनस थ्री, एंड वेन एवर यू प्लस रिप्लेस बाय माइनस ई थ्री टी कॉज ऑफ हाइपरबोलिक टू टी, ठीक है. नाउ हेयर थ्री एस एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस एट. नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, टेक दैट थ्री कॉमन आउटसाइड एस स्क्वायर टू एस माइनस एट. टू एस का हाफ करा वन, टू का हाफ करा वन, वन का स्क्वायर एड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो. इन तीनों से क्या बन जाएगा, इन तीनों से बन जाएगा एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर बाहर थ्री लैपलेस इनवर्स. अब क्या करेंगे, ऊपर प्लस वन माइनस वन करेंगे, प्लस वन माइनस वन एस प्लस वन, एस प्लस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर थ्री स्क्वायर लैपलेस इनवर्स थ्री बाहर, और इधर से भी क्या आ जाएगा लैपलेस इनवर्स थ्री बाहर. समझ रहे हो बात को, देखो मैंने कैसे पूरा का पूरा लैपलेस की फॉर्म में लेके आ गया हूँ. सब ध्यान दो बच्चों, ये तो आपके वैसे ही बेसिक्स मैंने बताए थे. क्वेश्चन ये था, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, थ्री बाहर निकाला. जस्ट टेक आउट दैट थ्री कॉन्स्टेंट आउटसाइड फ्रॉम द लैपलेस इनवर्स. देन व्हाट आर द रूल्स फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज you have to check whether the coefficient of s square is 1 or not. It is already 1, no worry. Now just check what is the coefficient of s, that is 2, make it half, this is 1. Now add 1 square and subtract 1 square, add 1 square and subtract 1 square. Now this is s plus 1 whole square minus 9, this is minus 3 square. Now you add 1 and subtract 1, s plus 1 over s plus 1 whole square minus 3 square minus 3 time 1 over s plus 1 whole square minus 3 square. Now aap iska laplace inverse dekho aur iska dekho, are they same? यहाँ टू स्क्वेयर है, यहाँ माइनस थ्री है. इफ लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस इज ई थ्री टी कोज ऑफ हाइपरबोलिक टू टी, व्हाट इज द लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस, टेल मी. प्लस वन मीन्स शिफ्टिंग हुई हुई है, तो ई रेज टू पावर एक तो माइनस टी होगा, ताकि माइनस में माइनस का वन क्या बन जाएगा प्लस वन. एस ओवर एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर शोज कोज ऑफ हाइपरबोलिक थ्री टी, और बाहर आ गया थ्री माइनस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय थ्री, दिस इज डिवाइड बाय थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री यहाँ आ गया, ठीक है, एंड थ्री यहाँ, थ्री को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे वन है, वन अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला इज ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टेक दैट ए इनसाइड, ए इनसाइड. नाउ फॉर्मूला विल बिकम साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री टी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस टी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस टी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस टी,
कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 3t ई रेस टू पावर माइनस टी, थ्री आउटसाइड एज इट इज, थ्री आउटसाइड एज इट इज. कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट बाय? गुड इवनिंग किशोर. एनी डाउट बाय anybody? टेल मी इफ anyone हैज एनी डाउट, प्लीज टेल मी. आई एम वेटिंग. एनी डाउट बाय anybody? प्लीज टेल मी. नो डाउट? नो डाउट? No doubt. Okay. मिथुन कुमार इज सेइंग नो डाउट. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बच्चों. रिपीट सर. सुमन कुमार गुप्ता इज सेइंग प्लीज रिपीट. ओके आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम क्वेश्चन. सुमन कुमार गुप्ता, टेक दैट थ्री कॉमन आउटसाइड, एस इज देयर. नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. How do you complete the square? The very first step, coefficient of s square should be 1. It is already 1. अगर ये 1 ना होता तो 1 बनाते common निकाल के, but 1 था. Second step for completing the square is whatever the coefficient of s. Coefficient of s is 2. 2 का half करा 1. 1 का square add भी करो, subtract भी करो. Now from these three, s plus 1 whole square minus 3 square, s plus 1 minus 1, s plus 1, s plus 1 whole square minus 3 square. Cos of hyperbolic 3t. Hyperbolic क्यों आया? क्योंकि minus है. जब plus होता है तो hyperbolic नहीं आता, यहाँ minus है तो hyperbolic आएगा. Cos of hyperbolic 3t. And s plus 1 is there. That's why e raised to power minus t. You have to multiply by e raised to power minus t. Minus t shows there's a shifting of s plus 1. Every s is replaced by s minus mein minus ka 1, s plus 1. So this is reverse effect. S plus 1 ke dono jagah s plus 1 hai. That's why e minus t aa raha hai. और s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos of hyperbolic 80 होता है, 3 आउटसाइड as it is. And 3 upon s plus 1 whole square minus 3 square, this is sin of hyperbolic 3t. And s plus 1 is there, that's why e raised to power minus t. E raised to power minus t. कोई डाउट? सुमन कुमार गुप्ता समझ आ गया आपको? This is the question. वो तो मैंने वैसे ही बेसिक्स बताए थे. सुमन कुमार गुप्ता, do you have any doubt? Please tell me. समझ आ गया आपको? और किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो. एनी डाउट बाय एनीबडी प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स. आई एम देयर. आई एम वॉचिंग इन द चैट बॉक्स. यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. नो डाउट? पक्का? सबको करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू. ओके मैं पूरा लैपलेस और लैपलेस इनवर्स डीएस गरेवाल के क्वेश्चन और उसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना सभी. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Factors PQ C
6p square 11p minus 6. ठीक है. Now just put p is equal to 1. p cube is there na, hit and trial chalega. Just put p is equal to 1. 1 minus 6 plus 11 minus 6, 0. Put p is equal to 1. p minus 1 is the factor. p minus 1 outside as it is. P cube 6p square 11p minus 6 multiplying by p square minus p square my p cube minus p square multiply minus 5p minus 5p square plus 5p sign change 6p minus 6 plus 6 6p minus 6 cancel. Now p square minus 5p plus 6 is equal to 0. P square minus 5p plus 6 is equal to 0. Splitting the middle term, p square minus 3p minus 2p plus 6. Take p common outside. P minus 3 minus p minus 3 p minus 3 p minus 2 is equal to 0. P key value 2 and value of p is 2 and 3. Matlab two more factors are there. Total how many factors are there? P minus 1 or splitting the middle term karke aa gaye p minus 2 and p minus 3. Total 3 factors are there. Total 3 factors are there. P minus 1, p minus 2, p minus 3. P minus 1, P minus 2, P minus 3. P minus 1, P minus 2, P minus 3. अब क्या होगा? A upon P minus 1, B upon P minus 2, C upon P minus 3. अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम बनाएंगे. इसका हम बनाएंगे लैपलेस इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन. बच्चों यहां तक कोई डाउट है? ये नीचे क्यूबिक एक्सप्रेशन दी हुई थी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? तीन फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. एवरीवन नो हाउ टू कन्वर्ट देम इन फैक्टर ना? यू नो दिस मेथड, दिस इज नोन एज, दिस होल प्रोसेस नोन एज हिट एंड ट्रायल. Suppose I am not getting 0 after putting p equal to 1. I will try for p minus 1. Then p minus 2. Then p plus 2. Keep on trying. Whenever you get 0, then divide it and have quadratic and then splitting the middle term. Okay?
multiply p minus 1, p minus 2, p minus 3, a upon p minus 1, b upon p minus 2, c upon p minus 3. Multiply it. P minus 1 cancel, p minus 2, p minus 3, a. P minus 2 cancel, p minus 2, p minus 3, b. And p minus 3 cancel, p minus 1, p minus 2, c is equal to 2p square 6p plus 5. 2p square 6p plus 5, put p is equal to 1, p is equal to 2, p is equal to 3. Now, p plus 1. Let me check p plus 1 hai ya minus 1 hai. P minus 1 hai yaar. P is equal to 1 pe 0 aaya tha na. तो p p is equal to 1 पे 0 आया था ना पुट करके, तो p minus 1 is 0 is the factor. ठीक है, p 1 पुट करके आंसर 0 आया था, then p minus 1 is the factor. ठीक है, put p is equal to 1, this is 0, this is 0, 1 minus 2 minus 1, 1 minus 3 minus 2, a 2 minus 6 plus 5, 5 to 7, 7 में 6 गया 1, 2 a, a is equal to 1 by 2, a is equal to 1 by 2, a is equal to 1 by 2, ठीक है, now put p is equal to 2, this is p is equal to 1. Put p is equal to 2. 2 square, 4 2 is 8, minus 12 plus 5, 0, 0, 2 minus 1, 1, minus 2, b, 13 minus 12, 1 minus 2b, b is equal to minus 1 by 2. P is equal to 3, 3 ka square 9, 2 is 18, 6, 3 is 18 plus 5. Ab yahan pe 3 put karke ye bhi 0, ye bhi 0, 3 minus 1, 2. 3 minus 2, 1, c, c की value 5 by 2, c की value 5 by 2, अब c की value 5 by 2, a की value 1 by 2, कहना ही, बच्चों ABC की value निकाल ली, इसे निकालने के बाद आपने वापस नए सिरे से ये question लिखना है, और a की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 by 2, b की जगह हम क्या लिख देंगे minus 1 by 2 और c की जगह हम क्या लिख देंगे 5 by 2. ठीक है, ऊपर जहां a b c था ना, जब दोबारा से लिखोगे ना तो इसके इक्वल आएगा. अब ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना यू विल गेट दिस, मतलब इसमें और इस पूरे में अब कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा इसके अंदर, अब लैपलेस इनवर्स निकालना है हमने. ठीक है, अब लैपलेस इनवर्स में नॉर्मली क्या होता है कि वन अपॉन एस माइनस वन, नॉर्मली एस माइनस वन होता है ना, तो हम e रेस टू पावर t लिखते हैं. अब यहाँ p माइनस वन है ना, तो लैपलेस इनवर्स, इसका लैपलेस इनवर्स
मतलब इन सबका लैपलेस इनवर्स, ठीक है। अब लैपलेस इनवर्स के आंसर क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दो। 1/p-1 का क्या होगा, e raised to power t, -1/2 बाहर, e raised to power 2t, और 5/2 बाहर, e raised to power 3t, द रिक्वायर्ड आंसर। p-1 e raised to power t, p-2 e raised to power 2t, p-3 e raised to power 3t, द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कोई डाउट? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एनी डाउट? वैल्यू ऑफ बी, मिथुन कह रहा है वैल्यू ऑफ बी, ओके पी को 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 8, 8 और 5 13, एंड 13 में से 12 गए 1, ठीक है। यहाँ पुट करो 2 तो दिस इज 0, यहाँ पुट करो 2 तो लास्ट भी 0, 2-1 1, 2-3 इज ऑल्सो 1, 2-3 इज 1, 2-1 इज 1, तो यहाँ से दिस इज -b, बी इज इक्वल टू -1 आ रहा है बच्चों, बी की वैल्यू आ रही है -1, लेट मी चेक, यस बी -1 आ रहा है, बी -1, यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, -1 आ रहा है, माइनस, ठीक है, ठीक है। मिथुन कुमार जी, सही कर दिया क्वेश्चन मैंने, टेल मी एनी डाउट नाउ? यस यस सोनिया, बच्चे p is equal to 1 के ऊपर 0 आया था ना, तो p-1 इज द फैक्टर सोनिया, p-1 इज द फैक्टर, कोई डाउट? एनी डाउट बाय एनीबडी, प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स, आई एम वॉचिंग द चैट बॉक्स, प्लीज टेल मी एनी डाउट। सुमन कुमार गुप्ता नो डाउट, मिथुन कुमार इज सेइंग नो डाउट, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो, टेल मी एनी डाउट, आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स। केशव थापा इज सेइंग नो डाउट, केशव थापा कैसे हो तुम, हॉस्टल आ जाओ, यस बताओ बच्चों कोई डाउट, नो डाउट, करें फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट, ओके। लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस, बच्चों आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, देर आर टू स्क्रीन्स ना, एक स्क्रीन को आप मतलब कि आपकी जो स्क्रीन फास्ट चल रही है उसको आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और सबको आवाज भी प्रॉपर आ रही होगी, सब हॉरिजॉन्टली देखना, अपने अपने लैपटॉप में देख रहे हो मुझे या फोन्स में देख रहे हो, लैपटॉप में या फोन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े बड़े बड़े हैं, एक तो टाइम कम रह गया, एक छोटा क्वेश्चन लेने की सोच रहा हूं, छोटा क्वेश्चन, चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका लैपलेस इनवर्स बताओ, आंसर देख के बताना है आपने, एस ओवर एस प्लस 3² + 4, फाइंड लैपलेस इनवर्स। अच्छा फोन में देख रहे हो, ओके
ओके प्रभाकर जी, मिथुन, बताओ बच्चों कैसे करोगे सॉल्व इसको, टेल मी हाउ वुड यू सॉल्व इट। अब यहां पे द वेरी फर्स्ट स्टेप, जस्ट पुट प्लस थ्री एंड माइनस थ्री, एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, माइनस थ्री बाहर, वन अपॉन एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, लैपलेस इनवर्स। यहां तो प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज कॉस ऑफ टू टी एंड एस प्लस थ्री ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी। एवरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कॉस टू टी मेक्स एस ओवर एस स्क्वायर टू स्क्वायर, ई माइनस थ्री टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई माइनस थ्री टी कॉस ऑफ टू टी, माइनस थ्री मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू, लैपलेस इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी साइन ऑफ टू टी, ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी साइन ऑफ टू टी। द रिक्वायर्ड आंसर। Any doubt? E raised to power minus 3t cos of 2t minus 3 by 2 e raised to power minus 3t sine of 2t. Koi doubt? No doubt? Okay. No doubt? Chalo. Theek hai bachcho. See you tomorrow same time. Goodbye everyone. कर फिर से मिलते हैं आप सबको। मैं रिकॉर्डिंग मैंने एक भेज दी, आज वाली भेज दूंगा और सारे सिलेबस इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी भेजूंगा आज, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय दीपक शर्मा, गुड बाय गणेश कुमार शर्मा, केशव थापा, किशोर कुमार, कुमार राजा, लैम्डा मनीष, मयंगलम, मिथुन, पूजा, प्रभाकर, राव, राहुल, राज सलमानी, सागर, श्रवण, शशि रंजन, शिवम कुमार, सोनिया, सुमन कुमार गुप्ता, कलिनजीत। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून।